प्रवक्ता प्रेम शुक्ला સાથે પણ ખાસ વાતચીત કરવામાં આવી છે। તો જે રીતે આપણે વાત કરી અત્યારે કે ભાજપની ગૌરવ યાત્રાનો જે રીતે પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે, ચૂંટણીની તૈયારીઓ એક પ્રકારે તેજ જોવા મળી રહી છે। તમામ જે પાર્ટીઓ છે તે પોતાની રીતે કમર કસી રહી છે, ત્યારે ભાજપ દ્વારા જે ચૂંટણીની પ્રચાર પ્રસાર માટે આ ગૌરવ યાત્રાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે। અને આપણે વાત કરીએ તો આ જે શુભ શરૂઆત રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા દ્વારા કરાવવામાં આવી છે, અને જે પ્રકારે દ્રશ્યોમાં આપ જોઈ શકો છો કે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ ઉપસ્થિત છે, સાથે જ સીઆર પાટીલ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પણ ઉપસ્થિત છે। ત્યારે અમારી ટીમ દ્વારા આજે ગૌરવ યાત્રાને લઈને ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા પ્રેમ શુક્લા સાથે પણ ખાસ વાતચીત કરવામાં આવી છે। અત્યારે અમે છીએ અહીંયા બહુચરાજીના પ્રાંગણના મંદિરના પ્રાંગણમાં, અને આપણી સાથે રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા પ્રેમ શુક્લાજી જોડી રહ્યા છે। પ્રેમ શુક્લાજી, એ બતાવીએ ઇલેક્શન સે પહેલે ગૌરવ યાત્રા કિતની સૂચક સાબિત હોગી? ये गुजरात गौरव यात्रा जो है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत का निनाद करेगी। भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में 1960 के बाद गुजरात के निर्माण के बाद जितने चुनाव हुए हैं उन सारे चुनावों से भी जबरदस्त प्रचंड कीर्तिमान स्थापित करने वाली जीत भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता सुनिश्चित करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आने वाले हैं, क्या कार्यक्रम रखा है और कहाँ से शुरुआत करने वाले हैं ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी आज जो है गुजरात गौरव यात्रा का श्री बहुचरा देवी जी के दर्शन और यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधन के साथ प्रारंभ करेंगे। यह गुजरात गौरव यात्रा 5 केंद्रों से शुरू होकर 144 विधानसभा सीटों को स्पर्श करेगी। निश्चित तौर पर जो है हम 182 सीटें जीतने का लक्ष्य करेंगे, और जो तमाम चुनावी सर्वेक्षण आ रहे हैं वो चुनावी सर्वेक्षण अभी से संकेत दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार गुजरात की जनता 150 से अधिक सीटें देना उसने निश्चित कर लिया है। प्रेम जी, खास करके बेचरा जी जब पाटीदार आंदोलन के समय कांग्रेस के पास चला गया था, इस बार क्या लग रहा है आपको ये सीट पे? नहीं, इस बार तो कांग्रेस है ही नहीं मैदान में। मैदान साफ है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के सामने सारे तिनकों की तरह उड़ गए हैं। अगर इलेक्शन में जीत की आशा कितनी और कितनी सीटें आएंगी? 182 सीटों का हमारा लक्ष्य है, 150 से अधिक लाएंगे। तो चौक्स थी बात करवामां आवे तो अत्यारे बेचरा जी थी थोड़ी क्षणों में लगभग राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आवशे अहीं दर्शन करशे ने त्यार बाद जे गौरव यात्रा नुं छे ए अहींथी प्रारंभ करवाना छे। परंतु महत्वनी बात ए छे के बेचरा जी एक कांग्रेस धरावती प्रभुत्ववाड़ी सीट छे, पाटीदार आंदोलन वखते पाटीदारोना समयमां आ जे सीट छे ए भाजप पासे छीनवाईने कांग्रेस पासे जती रही हती। जो कि आखा यात्रानो जो रूट जोवामां आवे तो आखा यात्रानो रूट एवो रूट बनावामां आव्यो छे कि जे कांग्रेस प्रभावित विस्तारो छे त्यांथी खास करीने आ यात्राओ निकळवानी छे। हवे जोयुं रह्यो के आगामी दिवसोमां कांग्रेस प्रभावित विस्तारोमां भाजप सफळ जाय छे के केम। कैमरामेन मेहुल सोलंकी साथे મયદીપસિંહ રાઠોડ, બહુચરાજી।